अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शयासीन। आप देख रहे हैं जीएसटी न्यूज़ यूके। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसरा ब्रांच मैसेज रिपोर्टर इंशाल अजीज 25 अगस्त 2024 बरोज इतवार सुबह 9 बजे बमगाम जामे मस्जिद फिजान मदीना सलहट सीएनजी पंप एबटाबाद में जिमुशान प्रोग्राम के सिलसिले में गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के इंतजाम इंसलाम के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें आपकी कीमती आरा दरकार है। आप खुद भी शिरकत करें, अपने हम ख्याल दोस्तों को भी साथ लेकर आएं। वक्त मुकर्रर पर तशरीफ लाकर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली सबूत फराहम करें। मजीद मालूमात के लिए खादिम इस्लाम हजूर किबला पीर सैयद श्याम मोहम्मद कमाल काजमी सजादा नशीन आसन आलिया तूर शरीफ एबटाबाद से राब्ता करें 03145048119। अब खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब आफाक मंजर की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिकन मर्चेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के 77वें योम आज़ादी की तकरीब का अहतमाम योम आज़ादी का जश्न भरपूर जोश जज्बे और अकीदत एहतराम से मनाया गया। शानदार तकरीब में सलमान बट ने सदारत के फ़राइज अंजाम दिए, जबकि कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई मेहमान एजाज थे। पाकिस्तान अमेरिकन मर्चेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन सिटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 77वां योम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे और अकीदत एहतराम से मनाया। इस शानदार तकरीब के सदर सलमान बट जबकि कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई मेहमान एजाज थे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मिलन में पेश किए और कौमी परचम की झंडियाँ लहराते रहे। गुलकार हुमैरा अरशद, फिजाली, आयजा, मलाइका फैसल और सारा नसीम इतनी खूबसूरत आवाज़ और दिलकश तरन्नुम के साथ कौमी गीत सुनाकर तकरीब की रौनक को चार चांद लगा दिए। मेहमान एजाज आमिर अहमद अतुज़ई ने जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते कहा कि हमें वतन अजीज किसी तोहफे में नहीं मिला, इसके हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशबहा कुर्बानियां दी, लाखों जानों का नजराना पेश किया है। हमारे बाजदाद को तारीख की बहुत बड़ी हिजरत का सामना करना पड़ा। योम आज़ादी की तकरीब के सदर सलमान बट ने फौज पाकिस्तान के शहदा को नजराना अकीदत पेश किया कि शहदा गाज़ियों की कुर्बानियों से मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। तकरीब में खवातीन के लिए मलबूसात और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि बच्चों के खेल कूद के लिए झूलों का अहतमाम भी किया गया था। ब्रुकलिन सिटी में होने वाली ये पुरवकार और शानदार तकरीब कई घंटों पर मुहित थी। इस तकरीब में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिले जुले जज्बे के साथ भरपूर शिरकत की। तकरीब में ढोल के थाप पर भंगड़े डाले गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सबसे पहले तो जश्न आजादी मुबारक, और फिर इस ब्रुकलिन मेले में आपको खुशामदी। यहाँ पे ये जज्बा, ये गानगर पैशन जो मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह पाकिस्तान के सब हिलाली परचम जो हवा में लहरा रहे हैं और सब रंग के बहुत सारे ड्रेसेस जो बच्चों ने और ख्वातीन ने और दूसरों ने ज़िबतन किया किए हुए हैं, इस बात का सबूत है कि भले आप सब पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान आप सबके अंदर जी रहा है। तफरी का और एंटरटेनमेंट का एक मौका फराहम किया है। एक तरफ अगर ये मेला एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी कल्चर, तहजीब और तमद्दुन के प्रचार का भी जरिया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इरादों में और ताकत दे, ताकत बख्शे, इनको फौकियत दे और पाकिस्तानी कम्युनिटी में को भी आपस में एक साथ रहने, नज्म ज़ब्त, ईमान, तंजीम के साथ रहने की तौफीक दे। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मंसूर अमान की कारकर्दगी से मुतासर होकर पुलिस कांस्टेबल सलीम वसली की बेटी ने हैरान कन तौर पर सिर्फ एक पेंसिल की मदद से पोर्ट्रेट बना दी और बिहाड़ी पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। एम एल सी स्कूल के तालब इन बिहाड़ी पुलिस की सोशल मीडिया पर कारकर्दगी से मुतासर होकर फूलों का गुलदस्ता देने डी पी ऑफिस पहुँच गए। मजीद जानते हैं किम शमुन नज़ीर से।
جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر وہاڑی منصور امان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر پولیس کانسٹیبل سلیم وسلی کی بیٹی نے حیران کن طور پر صرف ایک پنسل کی مدد سے پورٹریٹ بنا دی اور وہاڑی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ تصویر پروفیشنل انداز میں بنائی گئی جسے دعا سلیم نے ڈی پی او وہاڑی کو پیش کیا، جبکہ دوسری جانب میلس اسکول کے طالب علم وہاڑی پولیس کی سوشل میڈیا پر کارکردگی سے متاثر ہو کر پھولوں کا گلدستہ دینے ڈی پی او آفس پہنچ گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او وہاڑی منصور امان کا کہنا تھا کہ شہریوں کا خراج تحسین پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی آ رہی ہے اور عوام پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ جی ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بہاول نگر ڈی ایس پی محمد واصف کی سربراہی میں ضلع بہاول نگر میں ٹریفک آگاہی سیمینار ڈی انفارمیٹکس کالج آف سائنسز میں منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں ڈی ایس پی محمد واصف کا کہنا تھا کہ تیز رفتاری کا نتیجہ تین طرح کا ہوتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، عمر بھر کی معذوری، اس لیے حد رفتار کی پابندی لازمی کریں، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے، علاوہ ازیں سیفٹی ہیلمٹ کے استعمال آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہے، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ڈرائیونگ سے توجہ ہٹانے والے عوامل جیسا کہ فون کال، نیند، سستی، سگریٹ نوشی، ٹی وی دیکھنا، موسم، کیفیت، گاڑی میں موجود بچوں سے گفتگو کرنا، یہ سب عوامل حادثات کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان عوامل سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اوور لوڈنگ، اوور اسپیڈنگ سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ایک جرم ہے، اس پر بھاری جرمانہ ہے۔ دوران ڈرائیونگ ہینڈ فری میں گانے سننے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ایک حادثاتی کھیل ہے۔ علاوہ ازیں پیدل چلنے والوں کا خیال رکھیں، ایک مہذب شہری کا کردار ادا کریں۔ ٹریفک سائن بورڈ آپ کے معاون اور دوست ہیں، لہٰذا سائن بورڈ روڈ یوزرز فالو کریں۔ اس موقع پر طلبا سازہ کرام نے سٹی ٹریفک پولیس کا شکریہ ادا کر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس بہاول نگر کے ترجمان اعظم بٹ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ گارمنٹس اپ ٹو 25% آف، Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. You're watching GSTV UK. Keep watching.